क्या यार विशाखा, आज तेरे लिए इतना स्पेशल दिन है और तू यहाँ उलझी हुई थी ऑफिस के काम में। हाँ यार, आज तो तुम्हें ऋषभ के साथ में होना चाहिए था ना, पार्टी की तैयारियाँ करनी चाहिए थी तुमको। ठीक है ना यार, होने वाला पति तो है, उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि ऑफिस के काम में कभी कभी देर हो जाती है। एनीवेज, मैं टाइम पे पहुँच जाऊंगी। ओके, थोड़ा पहले पहुँच जाना यार, कुछ तो मदद मिलेगी ऋषभ को, आखिर शादी से पहले का वैलेंटाइन डे है। तो तू टेंशन मत ले, मैं पहुँच जाऊंगी, हम सब बहुत धमाल करेंगे। ओके। हेलो, हाय ऋषभ। हाय, कहाँ हो तुम? लेट हो रहे यार। अरे डोंट वरी, मैं टाइम से पहुँच जाऊंगी। विशाखा, तुम ऑफिस से तो निकल गई हो ना? हाँ, मैं ऑफिस से निकल चुकी हूँ और टाइम पे पहुँच जाऊंगी। और हाँ, मैंने उन फ्लास्क ऑर्डर दे दिया है जो तुम्हारी मॉम को पसंद है। ओके, सो स्वीट। ओके, बाय, सी यू। ये मेरी बस आ गई, मिलते हैं पार्टी में। हाँ हाँ, बाय। वो बस में बैठ गई है। हाँ, हम तैयार हैं। लगता आज भी खड़े होके जाना पड़ेगा। आंटी, आप जरा वहां बैठेंगी? तुम्हारा नाम क्या है बेटी? विशाखा। आप यहाँ नहीं है क्या? नहीं तो, तुम्हें लगता है क्या? नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। मैं हमेशा यहाँ से आती जाती रहती हूँ, टाइम थोड़ा अलग रहता है। वैसे मैं आज जल्दी आई हूँ। आंटी, आप जल्दी आइए या लेट, इस बस में आपको हमेशा ही रश मिलेगा। चलो चलती हूँ बेटी, मेरा भी स्टॉप आ गया। हाँ। आंटी, कमाल की आंटी है, अभी तो इतनी देर हंस खेल के बात कर रही थी और अभी बाय भी नहीं बोला। ये बैग किसका? कई उस आंटी का तो नहीं जो यहाँ बैठी थी? कंडक्टर को दे देती हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, ये बैग तुम्हारे लिए है। क्या मतलब? मतलब ये कि चुपचाप ये बैग अपने पास रख लो, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है और हाँ, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये बैग मेरा नहीं है तो मैं इसे अपने पास क्यों रखूं? मैं ये बैग कंडक्टर को ही दूंगी। सुनिए विशाखा, तुम मेरा नाम कैसे जानती? कौन हो तुम? पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। बैग खोलो, अपने आप सब पता चल जाएगा। ये सब क्या है? फोन उठाओ और उसी से पूछ लो। उठाओ उठाओ। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें अपनी मम्मी पापा और भाई की जान प्यारी है
तो जो मैं कहूँ वो कर दीजिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं है, मैं अभी भी उनके आस पास ही हूँ। फोन और ये गन अपने पास रखो और जो मैं कहूँ वो करो। अगर किसी को कुछ बताया तो तुम्हारे परिवार में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये सब झूठ है, बकवास कर रहे हो तुम। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तो ठीक है, खुद ही अपने घर फोन करके अपनी मम्मी से बात कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा। वो ठीक मेरे सामने किचन में खड़ी है। हेलो। हाँ बेटा। हाँ बेटा। हाँ बोलो विशाखा, क्या हुआ? हेलो मामा, अब ठीक तो है ना? डैड कहाँ है? और मिंटू कहाँ है? वो आप लोग ठीक तो है ना? हम सब ठीक है, मैं खाना बना रही हूँ किचन में। लेकिन तू ऐसे क्यों बात कर रही है? सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, मैं रखती हूँ, आप ध्यान रखना, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ कौन हो तुम? मेरे घर के आसपास क्या कर रहे हो तुम? ज्यादा सवाल जवाब नहीं, जो कहता हूँ वो करो बस, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं उन्हें कुछ मत करना, मैं करूंगी। ये हुई ना बात, क्या करना है मुझे? सुनो, आज रात तुम्हें एक खून करना है। क्या? सुना नहीं, खून करना है तुम्हें। खून? बैठो, बैठ जाओ, बात करो। हाँ, वो भी इस गन से जो तुम्हारे पास है। कहाँ जाना, कैसे करना, वो सब मैं बताता रहूंगा। अब तुम उस बुटीक शॉप में चली जाओ जहाँ जाने के लिए तुम निकली थी। और हाँ, ये फोन हमेशा अपने साथ रखो। ये फोन अपने पास रख लो। अगर अपने मम्मी डैडी की बैटरी चार्ज रखनी है तो इस फोन को हमेशा चालू रखना। फोन रखो, फोन रख। अरे मैडम, आपको तो 5 बजे बोला था आने के लिए, अभी तो 12 बजे, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? इतनी जल्दी मतलब? वैलेंटाइन डे आज है ना, तो वो ड्रेस मैं आज ही पहनूंगी, कल तो नहीं ना। आप प्लीज मेरी ड्रेस मंगा दीजिए। ओह गॉड, इसका बैटरी अब भी लो होना था। आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे? मेरा ड्रेस मंगाइए ना, मुझे लेट हो रहा है, कांट वेट। देखिए मैडम, ऐसे चिल्लाइए मत, 2 मिनट रुकिए तो सही, तुम्हारे पास और भी कस्टमर है। आपका ड्रेस रेडी, मैं भी मंगवाता हूँ। स्नेहा, ऑर्डर नंबर 61B का ड्रेस और। ये फोन आपका है ना? जी हाँ। मैं चार्ज पे लगा दूँ? अरे मैडम क्या करें, मेरा बहुत जरूरी फोन आने वाला है, मेरी बैटरी खत्म है मैम। ये बाद में लगा देना। ये लो मैम आपका ड्रेस। क्या हुआ मैडम, आप इतनी परेशान क्यों? आप अपना काम कीजिए ना प्लीज। अरे बिल्कुल देखिए, गन। ओह माय गॉड, ये कल लेके चलती है, तभी इतना कर रही थी। गार्ड को बुलाओ। गार्ड? नहीं नहीं, जल्दी अंदर आओ। क्या चलके बस गन है, पकड़ो उसे। हेलो हेलो सैडी। हेलो, हाँ मैंने ड्रेस ले लिए, क्या करना है? जो जो मैं कहता जाऊं वैसे वैसे तू करती जा। ठीक है, लेकिन सुनो, मेरे मॉम दादा भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर कुछ नहीं होगा उन्हें, तेरे पास अभी एक टैक्सी आने वाली है। हाँ? उसमें बैठ जाना। अरे
अरे क्या हुआ मैडम, क्या हुआ, क्या देख रही हो? आइए, आपके लिए ही आई है गाड़ी। मैडम मैगजीन नहीं चाहिए। ले लीजिए मैडम, ये आपके लिए ही है। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है आपके पास। हेलो, हरी बत्ती होने से पहले उससे ये मैगजीन ले ले, उसमें कुछ है तेरे लिए। क्या है इस मैगजीन में? उसमें एक सीडी होगी, वो सीडी ले और चला के देख, अपने आप पता चल जाएगा तुझे कि उसमें क्या है। और एक बात, तुझे आज रात एक खून करना है, 9 बजे। नौ बजे? हाँ 9 बजे। सर यही लड़की थी। पहली बार आई थी ये लड़की यहाँ पे? नहीं सर, कई बार आई है, ये हमारी कस्टमर है पिछले एक साल से। लेकिन सर पहले कभी उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया। लड़की पहले से ही परेशान लग रही है, जब से दुकान में घुसी है तब से डरी हुई लग रही है। सर हम लोग भी परेशान कि जो लड़की इतनी शांत थी वो आज अचानक इतनी उल्टी सीधी बातें कैसे कर सकती है। कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से वो लड़की इतनी परेशान थी। सर हमें इस लड़की से मिलना चाहिए, तभी कुछ पता चलेगा सर क्या बात हो सकती। सुनिए, हमें इस लड़की का टेलीफोन नंबर और एड्रेस चाहिए। हे भगवान, किस मुसीबत में डाल दिया, क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? पता नहीं वो लोग कौन है और मैं माम बैठ के साथ क्या सलूक कर रहे हूँ। कैसी हो? रो रो कर कितना बुरा हाल कर रखा है तुमने अपना, है ना? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम तो एक बहादुर लड़की हो। चलो एक बात सुनो, तुम्हें एक काम करना है, खून करना है, समझी? खून? नहीं, मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। देखो अपने मम्मी पापा और इस भाई को, अगर तुम मेरा काम करोगी तो ये लोग जिंदा रहेंगे, और अगर जरा से भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए दूर भेज दूंगा। लेकिन तुम उसे मारोगी कैसे? तुम्हें तो गन चलानी आती नहीं। चलो इसका इंतजाम भी मैं करा देता हूं, तुम घर से बाहर निकलो, मगर हां गन ले जाना मत भूलना। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हेलो ऋषभ। हे विशाखा डार्लिंग, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। भाई मैंने सोचा था कि हम दोनों मिलकर पार्टी की तैयारी करेंगे, लेकिन तुम्हारी ने अब तुम्हारी जगह सारा काम मॉम को करना पड़ रहा है, यू नो दैट? आई एम सॉरी, वो क्या है ना अचानक के काम में फंस गई इसलिए नहीं आ सकी। ऋषभ मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। विशाखा कब?
घर का दरवाजा खुला। विशाखा, 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 ये क्या? विशाखा की फोटो। तो बुटीक से जो हमें बताया कि विशाखा का घर है वो सही है, लेकिन सर ये अपना घर छोड़कर कहां चली गई? ये खुला, और ये देखिए डीवीडी भी ऑन है। विवेक देखो जरा घर के अंदर अच्छी तरह से देखो। यस सर। सर ये चक्कर क्या है? विशाखा ने गन निकाल के बुटीक में सबको डराया और यहाँ पे घर खुला छोड़कर चली गई। घर के अंदर कोई नहीं है। कोई नहीं? नहीं सर। सेलफोन किसका है? तो ये फोन शायद विशाखा का नहीं है सर। जब वो बुटीक में आई थी तो उसके हाथ में कोई दूसरा मोबाइल फोन था। कोई बात नहीं, ले चलो इसे, पता लगाओ किसका फोन है। सचिन जरा डीवीडी का फुटेज प्ले करो। अरे विशाखा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा तुम पनवेल में पार्टी की तैयारी कर रही होंगी। वो मेरे घर नहीं नहीं वो बस मैं ऐसे अच्छा मैं चलती हूँ। पार्टी में तो आ रही हो ना? सब्जी ले लो मैडम। सब्जी नहीं चाहिए। अरे कोई बात नहीं चाहिए। हेलो मुझे मालूम है तुम जिसकी तलाश में यहाँ आई हो ना वो तुम्हें यही मिलेगा। और मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम्हारे माँ बाप की जान खतरे में है। अपने परिवार की सलामती चाहती हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो। चलो कुछ तो बताओ कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैंने तुम्हें पहले कहा ना अपने माँ बाप और भाई की जान अगर प्यारी है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। वैसे भी तुम्हें गोली चलानी आती नहीं है। आज रात तुम्हें किसी को गोली मारनी है और निशाना चूकना नहीं चाहिए। कौन है ये? देखना चाहोगी कौन है ये? चलो देख लो। ज्यादा इमोशनल बनने की जरूरत नहीं है। चल, चल इसे। तेरे लिए ही लाया गया इसको। इसी पे तो तुझे गोली चलानी है। तभी तो तू सीखेगी। तुम मुझे नहीं मार सकती। मुझे बचा लो, प्लीज। मुझे बचा लो। ये ले पकड़ और चला गोली इस पे। पकड़। नहीं नहीं, ये मेरी दोस्त है। मैं इसे नहीं मार सकती। बेवकूफ, तेरे माँ बाप से प्यारी तेरी दोस्त है। मार इसको, मार, फायर कर उसपे। मार सकती मेरी दोस्त है। आखिरी बार तेरे माँ बाप तेरे भाई से बात कर ले, क्योंकि आज के बाद तुम उनकी आवाज कभी नहीं सुन पाओगी। हाँ बोल। हाँ भाई, बहुत शांत पत्ती कर रही है। अच्छा दे तो जरा फोन उसको। ये लो बात कर, अपने माँ बाप से बात कर ले। मुझे माफ कर देना आप लोग, शायद आपकी बेटी को आपकी जान से ज्यादा अपनी सहेली की जान प्यारी है। लो आखिरी बात उससे बात कर लो। विशाखा बेटी तुम कोई गलत काम मत करना, वो हमें मार डालेगा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम कोई गलत काम मत। ए, ज्यादा होशियारी कर रही है बुढ़िया। नहीं नहीं, मेरे मामदार को कुछ मत करना प्लीज। सुन, अगले 30 सेकंड में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा भाई अचानक कैसे ऊपर पहुंच गया। अपने भाई से बात कर। दीदी दीदी मुझे बचा ले। दीदी दीदी मुझे मारने लगा। दीदी सुना, अगले 10 सेकंड में तुम्हें अपनी भाई की चीखें सुनाई देगी। नहीं, 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 नहीं। तो तुम उस पर गोली चलाओगी कि नहीं? पकड़। कुछ मत करना, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। तुम जो कहोगे। बहुत हो गया, चला गोली इसमें। विशाखा प्लीज। शॉट। नहीं विशाखा, मत मारो मुझे। दीदी मुझे बचा ले। दीदी दीदी मुझे मारने लगा। दीदी
तुम लोगों को पता ही नहीं चला कि तुम्हारे पड़ोसी मुसीबत में है? नहीं सर, पता चलता तो जरूर कुछ करता। तीन तीन लोग गायब हो गए और कानो कान खबर नहीं किसी को भी, और कहते पता चलता तो कुछ भी करते। आप लोगों को पता होना चाहिए था ना कि आसपास क्या हो रहा है। सर ज्यादा ताक झांक करने से झगड़े हो जाते हैं। से ये कोई तहखाना लग रहा है सर, घर के बेसमेंट जैसा कुछ। विवेक जरा पॉज कर। क्या हुआ सर? जो बैकग्राउंड में धीमी धीमी आवाजें आ रही हैं, शायद उनसे कुछ पता चल सकता है। अभी प्ले करो और फुल वॉल्यूम करो। यस सर। रो रो कर कितना बुरा हाल कर रखा है तुमने अपना। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे रोना तो बच्चों का काम है, और तुम तो एक एक काम कर। ये कोई मार्केट एरिया है, ये जगह सब्जी मंडी के बीच में है। ये देखो सर, मुझे आज वो सब्जी मार्केट में मिली थी। थोड़ी डरी हुई सी थी, थोड़ी परेशान थी, शायद किसी को ढूंढ रही थी। और सर जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है, उसने आज एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है वैलेंटाइंस डे की, और उसका नाम ऋषभ है। कमाल है सर, इधर माँ बाप गायब है, उधर जिस लड़के से शादी होने वाली है वो पार्टी दे रहा है। सर इस रोशनदान पे जूम करो। यस सर। देखो बाहर क्या दिखता है। तुम दोनों विशाखा के साथ गए थे ना बस स्टॉप पर? हाँ सर। तो कैसी थी वो, ठीक ठाक थी? हाँ सर, वो तो बहुत खुश थी, बार बार पार्टी की ही बात कर रही थी। अच्छा, उसे देखकर तुम लोगों को लगा नहीं कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? नहीं सर, चेहरे से तो नहीं लगा। ये सारा चक्कर उस कांदिवली वाले बस से शुरू हुआ है जिसमें बैठकर विशाखा अपने घर जा रही थी। सर ये खूनी विशाखा पे लगातार नजर रखे हुए हैं, उसे जरा सा भी मौका नहीं दे रहा है कि वो किसी को जाके कुछ बता पाए। सर लोगों के पांव नजर आ रहे हैं चलते फिरते हुए, फेरी वाले हैं और सब्जियां भी हैं। तो ये पक्का हो गया कि ये जगह सब्जी मंडी में ही है। सर ऐसा लगता कि विशाखा के माँ बाप को विशाखा के घर में ही कैद करके रखा हुआ है। सिर्फ एक काम बचा है तुम्हारे लिए, उसके बाद तुम्हें उस बड़ी मछली का शिकार करना है। मेरा मतलब है गोली मारनी। अब सीधा अपने ऑफिस जाओ, वहां पे मेरा कुरियर वाला तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और हाँ, वो तुम्हें कुछ पेपर्स देगा, तुम्हें उन पर साइन करना है। उसके बाद तुम्हें अगले फोन पे बताऊंगा क्या करना है तुम्हें, समझी तुम? अरे विशाखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऋषभ को पता चलेगा तो क्या सोचेगा? यही कहेगा कि मेरी होने वाली बीबी से अभी तक काम करा रहे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैडम आपने तो छुट्टी ली थी ना, आप वापस से ऑफिस में? अच्छा सुनो, या मेरे लिए कोई कुछ छोड़ गया क्या, कोई कुरियर वाला, कोई भी? मैं उसी के लिए यहाँ आई हूँ। हाँ वो आया है, मैंने उसे कहा भी कि कुरियर मुझे दे दो, पर उसने कहा कि आप आने वाली हैं। वो सामने। विशाखा जी। हाँ, कहाँ साइन करना है बता जल्दी। कैसे पेपर्स हैं? वो उसे पढ़ने ही नहीं दे रहा है, सिर्फ साइन करवाए जा रहा है। हेलो, मैंने पेपर साइन कर दिए।
क्या करना है? वेरी गुड, अब एक काम करो, बाहर जाओ, एक कार तुम्हारा वहां पे इंतजार कर रही है, उसमें बैठ जाओ और जहां वो छोड़े वहां पे हमारा इंतजार करना। और हाँ, वो जो तुम्हारा लाल रंग का ड्रेस है ना, खूबसूरत सा, उसे पहनकर तैयार रहना, समझी? जाओ अभी निकलो यहां से। देखो यहाँ पे कोई बेसमेंट है क्या? वीडियो में बेसमेंट जैसे जगह दिखाई दिए है, वहीं पे इन लोगों को रखा है। देखो तुम उस तरफ। देखिए ये रहा बेसमेंट, चलो यहीं पर होंगे ये लोग, मगर संभल के हैं, वो लोग हो सकते हैं, संभल के, लगता है वो लोग भाग गए, छोड़ो इन लोगों को। भाई कहाँ है विशाखा? वो लोग हमारे बेटे को लेके गए, मार डालेंगे इसे, बचा लीजिए साहब। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उनको, घबराओ मत, हम लोग आ गए। आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप लोगों ने हमारी जान बचाई, आप तो देवता है हमारे लिए, मेरे बेटे विशाखा को बचा लीजिए, पता नहीं क्या गलत कराने वाले हैं मुझसे। कौन है वो? शायद विशाखा जानती है उनके बारे में। घबराओ मत, हम लोग ढूंढ निकालेंगे तुम्हारे बच्चों को, कुछ नहीं होगा उन्हें। एक्सक्यूज मी सर, ऑफिस में कोई नहीं है, सब चले गए हैं। हम लोग सीआईडी से, हमें विशाखा के बारे में कुछ पूछना है। क्या हो गया सर? ये विशाखा आज ऑफिस में आई थी? हाँ आई तो थी, पर बहुत जल्दी चली गई थी। उसे कोई मिलने आया था यहाँ ऑफिस में? एक कुरियर वाला आया था, उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे, उन्हीं पेपर्स पे साइन करने के लिए विशाखा आई थी। क्या आप, कैसे पेपर्स थे? हाँ सर, वो कुछ लीगल पेपर्स थे, वो कुरियर वाला ना उनसे सिर्फ साइन करवा रहा था, पढ़ने नहीं दे रहा था। जब विशाखा यहाँ ऑफिस से गई तो वो कुछ बता के गई तुम लोगों को कि कहाँ जा रही है? नहीं सर, उसने तो कुछ नहीं बताया, पर जैसे उसने साइन किया ना, उसे फोन आया और उसने उसे सुना और भागकर कार में बैठ गई और चली गई। कैसी कार थी? एक होटल की कार थी। होटल की कार? होटल का नाम क्या था? उस होटल का नाम लिखा था कार के ऊपर? सर लिखा तो था, पर मैं पढ़ नहीं पाई, बहुत छोटा छोटा लिखा था, पर सर उस पे एक फूल बना हुआ था, कमल का फूल। कहीं विशाखा इस होटल में ही किसी का खून तो नहीं करने वाली? खून? हाँ खून, हमें जल्द से जल्द इस कमल के फूल वाले होटल को ढूंढना होगा, ये फूल शायद इस होटल का लोगो है। सर हमें ये भी ढूंढना होगा कि उसने कौन से पेपर्स पे साइन किए, कोई तो वकील होगा जिसने ये पेपर्स बनवाया। विशाखा ऑफिस से निकली सीधा बस स्टॉप के, बस स्टॉप से बुटीक, बुटीक से घर गई, घर से वो मार्केट गई, और मार्केट से वापस ऑफिस गई जहां पे उसने कुछ पेपर्स पे साइन किए, और वहां से एक होटल की गाड़ी में बैठ के चली गई। ये सब कुछ एक दिन में हुआ। तो जो कोई भी है जो विशाखा से ये सब करवा रहा है, उसने सब बहुत दिमाग लगा के प्लान किया है सर, एक एक कदम पे उसे नचा रहा है। सर एक बात देखिए आप। वो क्या? ये विशाखा जब बस स्टॉप पे गई तो वहां पे किसी ने उसे एक बैग दिया जिसमें एक गन थी, उसके बाद वहां से वो बुटीक गई जहां पे उसने पार्टी की ड्रेस खरीदी, लेकिन वहां पे कुछ खास नहीं हुआ। जब वो सब्जी मार्केट में पहुंची तो वहां पे उसे एक आदमी मिला, और ऑफिस में जाकर उसने कुछ पेपर्स साइन किए, और अभी वो एक होटल में है, ये पता नहीं है कि खून किसका करेगी। सर इस पूरे ग्राफ को देख के ऐसा लग रहा है कि धमकी देने वाले ने विशाखा को जहां जहां पे भेजा है उसे कुछ न कुछ मिला है, मगर यहाँ इस बुटीक में कुछ नहीं हुआ सर, उसे कुछ नहीं मिला, तो फिर उसे बुटीक में भेजा ही क्यों? इसका एक ही मतलब है दया, खूनी चाहता था कि विशाखा वहां से सिर्फ पार्टी की ड्रेस खरीदे, पर सिर्फ
पार्टी की ड्रेस ही क्यों? वो चाहता होगा कि पार्टी की ड्रेस पहन के विशाखा आए वैलेंटाइंस डे पार्टी में। मुझे लगता है विशाखा ने ऋषभ को बताया नहीं है उसके माता पिता और बहन के साथ क्या हुआ है, नहीं तो पार्टी कैंसिल हो जाती आज। इस पार्टी पर ही नजर रखो सर। हाँ, जिस होटल में विशाखा को रखा गया था उस होटल का नाम रेड मून है सर, और हमने सारे लॉयर से पता किया है सर। एक ऐसा लॉयर मिला जिसने पिछले हफ्ते विशाखा के नाम से कुछ पेपर्स बनाए हैं सर। विशाखा के नाम की है। देख, इस वकील को लेकर उस पार्टी में पहुंचा। अपने वैलेंटाइन की पार्टी रखी है, इसका मतलब मुझे मुझे यहाँ सबके सामने खून करना है। तुम जिंदा हो? तो तुम्हें क्या लगा था मैं मर गई हूँ? मैंने तो तुम पर गोली चलाई थी ना। अरे वो तो तुम्हें गोली चलाना सिखाने की प्रैक्टिस के लिए था, ताकि तुम्हारा निशाना ठीक जगह लगे। मैंने तो अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ। फिर मेरी फैमिली का बता, कहाँ? फिर मॉम डैड, मेरा भाई ठीक तो है ना? हाँ, बताओ ना प्रिया। ज्यादा सवाल जवाब मत करो, तुम्हें जो काम सौंपा गया है उसे पूरा करो। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? खून करना है। प्रिया, तुम मेरी दोस्त होकर ऐसी बात कर रही हो? कौन दोस्त? कैसी दोस्त? हाँ, शायद तुम्हें याद नहीं है, ये बातें उस वक्त मैंने भी तुमसे की थी जब तुम मुझ पर गोली मार रही थी, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। कितना रोई थी मैं, गिड़गिड़ाई थी तुम्हारे आगे कि मत मारो मुझे, लेकिन तुमने सीधा मुझ पर गोली चला दी। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं मर जाऊंगी। प्रिया, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, उन लोगों ने मुझे फोर्स किया था, तुमने देखा था ना। पुरानी बात भूल जाओ और जो बोला है वो करो। ये कौन है जो मेरे पीछे पड़े, मेरे ही हाथों से खून करवाना चाहते हैं? बस थोड़ी ही देर की बात है, फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन है वो। अब यहाँ से सीधा जाओ और आगे से दाएं मुड़, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हें किसे मारना है। वक्त बहुत कम है, जल्दी जाओ। मुझे बाहर बोला गया था कि आंटी आप यहां, ये यहाँ क्या कर रही है? घड़ी देखो, क्या टाइम हुआ? 8:50। तुम्हें अपना काम करने में सिर्फ 10 मिनट बचे। आप भी इन सब लोगों के साथ मिली हुई है। कैसी बहन हो तुम, अपने छोटे भाई के बारे में जरा भी नहीं सोचती? अरे क्या होगा उसका अगर ठीक 9 बजे तुमने गोली नहीं चलाई? नहीं, प्लीज उन्हें कुछ मत कीजिए,
मेरी फैमिली को कुछ मत कीजिए, मैं सब करूंगी, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। किस पे गोली चलानी है? मेरे परिवार को प्लीज कुछ मत करना। ठीक 9 बजे एक लड़का लाल शर्ट और काले सूट में इस पार्टी में आएगा। उसके साथ एक औरत भी होगी लाल साड़ी में। तुम्हें उस लड़के को मारना है। कोई बहुत बड़ा चक्कर लगता है सचिन, विशाखा के होने वाले पति के पार्टी में उसी से खून करने के लिए कहाँ जा रहा है? सर अब हमें तो ये भी नहीं पता कि खून होने वाला किसका है, और हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठे रहे तो हमारी आंखों के सामने खून ना हो जाए। नहीं, ऐसे कैसे खून होने देंगे, खून नहीं हो सकता। चलो सुनो, 9 बजने वाले, याद रखना तुम ये काम तुम्हारे भाई की जिंदगी बचाने के लिए कर रहे हो, समझे? एक लड़का लाल शर्ट और काले सूट इस पार्टी ये लोग मुझे ऋषभ को मारने के लिए कह रहे हैं। कैसी बहन हो तुम? अपने छोटे भाई के बारे में जरा भी नहीं सोचती? अरे क्या होगा उसका अगर ठीक 9 बजे तुमने गोली नहीं चलाई? दीदी मुझे बचा ले, दीदी मुझे मार डालेगा दीदी। मुझे माफ करना ऋषभ। शाखा, तुमने मेरी मां को मारने की कोशिश क्यों की? लेकिन इसने तो गोली तुम पे चलाई थी, मेरे ऊपर। लेकिन ये तो मेरी मां को मारना चाह रही थी। आज शायद मैं मर जाता। तुमने ऐसा क्यों किया विशाखा, क्यों किया? मुझे माफ कर दो ऋषभ, मैं फंस गई हूँ। बहाने मत बनाओ। मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने मेरी मां को मारने की कोशिश क्यों की? अब ये तो तुम बताओगे ऋषभ। मैं क्यों? क्योंकि इसने नहीं, तुमने अपनी मां को मारने की कोशिश की है। मैंने मैंने अपनी मां को मारने की कोशिश की? हाँ तुमने। विशाखा जब गोली चलाने वाली थी तुमने खींच के अपनी मां को अपने सामने कर लिया ताकि गोली मां जी को लग जाए। मैं भी हैरान हो गई, मुझे लगा अचानक इसने मुझे क्यों खींच लिया, लगा बचा रहा है मुझे। नहीं मां, नहीं, ये झूठ है। देखा देखा आप लोगों ने, गोली चलाई है विशाखा ने हमारे ऊपर, और ये लोग कह रहे हैं कि मैंने अपनी मां को मारने की कोशिश की है। हम लोग ठीक कह रहे हैं, समझे? बिल्कुल ठीक। जिसने गोली चलाई है आप उसे अरेस्ट कीजिए ना, मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप? अरे अरे मैम, आप कहां खिसक रही है? आपके बिना तो ये कहानी बिल्कुल अधूरी है। मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, सब अगर ऐसे ही कहेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर किया किसने? ये बताएंगे किसने किया है। इन्हें गौर से देखो, पहचानते हो इन्हें? कौन है ये? मैं नहीं जानता इन्हें। ये नहीं जानता, मगर मैं जानता हूं।
ये ऋषभ है, मेरे पास आया था जायदाद के पेपर बनवाने। ऋषभ हाँ, अब तीमा का खून करेगा। देखो सब लोग, देखो इस नालायक आदमी को, ऐसा नमक हराम आदमी दुनिया में शायद ही देखने को मिले। जायदाद की लालच, अपनी मां का खून करवाने निकला, और वो भी अपनी होने वाली बीवी से। है? ये मेरी असली मां नहीं है, सौतेली मां है। तो क्या हुआ, मां तो आखिर मां ही होती है, फिर वो चाहे असली हो या सौतेली, मगर तुमने मां के दिल में छाप कर कभी देखा ही नहीं। इस जायदाद के लिए तुम ये खून करा रहे थे, वो जायदाद आज भी तुम्हारी है और कल भी तुम्हारी रहती, तो फिर ये खून करने की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत थी, क्योंकि ये जायदाद मेरी नहीं है, मेरी सौतेली माने और पापा ने ये सारी प्रॉपर्टी विशाखा के नाम कर दी है। ये लोग मुझसे नफरत करते हैं सर, नफरत। एसीपी साहब, हमें लगता था कि ये सारी जायदाद बेच के उड़ा देगा, हम सिर्फ इतना चाहते थे कि ऋषभ को कभी कोई तकलीफ ना हो, ये जायदाद बची रहे। अगर ये सारी जायदाद विशाखा के नाम कर भी दी थी तो तुम्हें क्या नुकसान, तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना विशाखा के साथ। मतलब मैं सारी जिंदगी अपनी पत्नी का गुलाम बन के रह जाता, एक एक रुपया मुझे इससे मांगना पड़ता सर, एक एक रुपया। इसलिए तुमने एक तीर से दो शिकार करने का प्लान, अपने होने वाली बीवी से अपनी मां को मरवा दो। मैंने पार्टी इसलिए रखी थी कि खून के इल्जाम में विशाखा जेल चली जाएगी और उसके बाद इस सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं बन जाऊंगा। इतने घटिया सोच वाले इंसान के साथ मैं शादी कर रही थी, भगवान ने मुझे बचा लिया कि तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, ना मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। विशाखा, जायदाद को पाने का नशा मेरे सर पे चढ़ा हुआ था, मैं क्या करता? जायदाद हड़पने के लिए तुमने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, लेकिन तुम्हारे सारे अरमानों पर पानी फिर गया है ना। अब जेल में सड़ते बैठना जिंदगी भर ये सोचते कि तुमने क्या खोया और क्या पाया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।